बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं कि अल्लाह के फजल और करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आप तरबूज तो काफी पसंद करते होंगे, यकीनन ये सभी को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, लेकिन तरबूज खाकर जो इसके छिलके होते हैं वो आप फेंक देते हैं। आज मैं आपके लिए तरबूज के छिलकों से बनने वाली इतनी शानदार, इतनी अनोखी, इतनी टेस्टी और इतनी आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ कि जब आप इसे अपने घरों में एक मरतबा ट्राई करेंगे तो आपको ये इतनी पसंद आएगी कि आप तरबूज के छिलके नेक्स्ट टाइम कभी नहीं फेंकेंगे। बनाना भी इसको बहुत ज्यादा आसान है और बहुत ही कम टाइम में ये बनके तैयार हो जाती है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, बिना वक्त जाया किए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने कुछ तरबूज के छिलके लिए हुए हैं और यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, इसका हमने ये वाला पार्ट जो है वो रिमूव करना है, ठीक है। अगर आपके पास कटर है तो ये बहुत इजीली कटर से हो जाएगा। और आपने कोशिश करनी है ये जो पार्ट है ना, थोड़ा मोटे मोटे वाला आपने रिमूव करना है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। ये देखिए, यहाँ पर दो मरतबा तकरीबन हमने इसे पील कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह हम सारे कर लेते हैं। ये लें जी, माशाल्लाह से तरबूज के ढेर सारे छिलकों को हमने पील कर लिया हुआ है और अब हम यहाँ पर इसे वॉश कर लेते हैं। आप लोग कोशिश यही करिएगा कि जब इसे पील करने लगे होंगे तब आप इसे वॉश कर लीजिएगा। मुझे याद नहीं था रहे, इसलिए मैं इसको अब अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पर साथ ही हम एक अदद ब्लेंडर जग लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे छिलके, बारीक बारीक कट करके हमने ये छिलके ऐड करने हैं ताकि ब्लेंड करने में हमें आसानी हो, ठीक है। इस तरीके से हमने छोटे छोटे टुकड़े इसके काट लेने हैं। जस्ट आपने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। बहुत ज्यादा नहीं आपने पानी इसमें डालना, इसमें ऑलरेडी पानी बहुत ज्यादा होगा। ये लें जी, यहाँ पर तरबूज के छिलकों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया, वह मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना स्मूथ सा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके का आपने इसका पेस्ट तैयार करना है, बहुत इजीली हो जाएगा। अगर ब्लेंडर जग में ना हुआ तो किसी भी मिक्सी के जार में आप लोग इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लीजिएगा। और अब हम यहाँ पर एक बॉल लेंगे और इसमें हम छन्नी को रखेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे तरबूज का पेस्ट हमने जो तैयार करके रखा हुआ था, ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है वो इसमें से निकल जाए। अगर इसमें पानी होगा तो आपका टाइम काफी लगेगा, इसीलिए पानी को आप लोग पहले ही अच्छे तरीके से ड्राई कर लीजिएगा ताकि आपको मेहनत न इतनी करनी पड़ रहे। इसे रखते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट एक साइड पे ताकि इसका जो पानी है अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। और चलते हैं फिर आगे के प्रोसेस में। ये लें जी, यहाँ पर आप देखिए, इसको 15 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे रखे हुए और आप देख सकते हैं कितना एक्स्ट्रा पानी जो है इसका वो निकल चुका है। अगर आप इसको खुश करने लग जाते तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाना था, ठीक है। और अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। और अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ गैस पे रखेंगे एक अदद कढ़ाई और इसमें हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून हमारे पास घी है, घी को हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल है तो आप वो ऐड कर लीजिएगा। फ्लेम को हम यहाँ पर ऑन करेंगे और इस घी को हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। घी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका हुआ है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून हमारे पास बेसन है, बेसन को हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही हमारे पास 1 टेबलस्पून सूजी है, इन दोनों चीजों को हमने बहुत अच्छी तरह से छान लिया हुआ था। और इसकी यहाँ पर हम दोनों चीजों की भुनाई करेंगे, फ्लेम को यहाँ पर हम अभी लो रखेंगे ताकि ये जले ना, जस्ट आपने इसका कच्चापन दूर करना है, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास देसी घी है ना तो क्या ही बात है, आप लोग देसी घी इसमें ऐड करिएगा, बहुत जबरदस्त सा फ्लेवर आएगा। इसे यहाँ पर हम अच्छे तरीके से 1 से 1.5 मिनट तक भून लिया बाहर, इसमें एक जबरदस्त सी खुशबू आने लग चुकी है। बेसन को और सूजी को 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ये ऐड कर दिया हुआ है, ये हमारे पास जो तरबूज का पेस्ट हमने तैयार करके रखा हुआ था। और इसे यहाँ पर हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर इस तरबूज के पेस्ट का जो हमने पानी है ना वो अच्छी तरह से खुश कर लेना है, ठीक है।
फ्लेम को यहाँ पर हमने मीडियम करके इस हलवे की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से हलवे की जबरदस्त सी भुनाई जो है वो हो चुकी हुई है। ये नीचे लगना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी तरह से हमने इसका जो पानी है ना वो ड्राई कर लिया हुआ है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 खाना खाने के चम्मच हमारे पास चीनी है। चीनी आप अपने टेस्ट से कम ज्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप हमारे पास दूध है। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से और इसे यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से पकाना है। और इसे यहाँ पर हम लोग खूबसूरत सा एक और अट्रैक्टिव सा कलर देंगे। यहाँ पर हम एक चुटकी जर्दा कलर लिया है, थोड़े से पानी में हमने उसे ऐड कर दिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से और इस हलवे की यहाँ पर हम अच्छी तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट भुनाई कर लेंगे ताकि दूध भी अच्छी तरह से इसमें खुश्क हो जाए और तरबूज के छिलके का जो पेस्ट है वो भी अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से हलवे का कितना खूबसूरत सा और अट्रैक्टिव सा कलर जो है वो आ चुका हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से हलवे की जो जबरदस्त सी बुनाई है वो हो चुकी हुई है। आप देख सकते हैं इसने ऑयल जो है वो सेपरेट करना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पिस्ते बादाम और काजू है जिनको हमने लंबाई में काट के रखा हुआ था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हम ऑफ कर देंगे और चलते हैं अब हम फाइनल लुक की तरफ और आप लोगों को डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये इतना सस्ता और इतना शानदार हलवा किस तरीके का बना है। फाइनल लुक को आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये लीजिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है मजेदार टेस्टी जबरदस्त और शानदार तरबूज का हलवा। मुझे नहीं लगता कि ये आपने आज से पहले कभी अपने घर में ट्राई किया होगा। अगर नहीं किया तो जाइए अभी बना के आप इसे इंजॉय करिए, ये बहुत टेस्टी बनता है और ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही शानदार सा बनके तैयार होता है। आप लोग जरूर जरूर इसे मेरे कहने पे ट्राई करिएगा एक बार, इंशाल्लाह ये आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में मुझे याद रखना है। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही आप हमारे साथ साथ रहिएगा।